राज्य स्तरीय पर्यावरण निर्धारण प्राधिकरण के निर्देशन पर 23 जून को नदियों से खनन पर रोक के आदेश कलेक्टर द्वारा जारी किए जाने के बाद भी बीते 8 दिनों से कचोरा घाट की खदानों पर रेत का अवैध खनन जारी है। माफियाओं पर लगाम न तो कोई अधिकारी लगा रहे हैं और न ही कोई कार्रवाई कर रहे हैं, जहाँ पर माफिया लगातार रेत निकाल कर सड़कों के किनारे डंप और कई अन्य जगह पर डंप कर रहे हैं। जिले में नदी के किनारे आने वाले घाटों समेत कई रेत खदाने प्रशासन ने लीज पर दी हुई है। यहाँ पर निरंतर खनन एवं निर्माण कार्यों के लिए रेत आपूर्ति की जाती है, जिसके लिए बकायदा शासन की रॉयल्टी भी काटी जाती है। बरसात के दिनों में एनजीटी ने नदियों से रेत के खनन पर पूर्णतः रोक लगा दी है, जहां पर कलेक्टर के आदेश और एनजीटी की रोक के बावजूद टीकमगढ़ जिले में कचोरा घाट से निकलने वाली नदी से अवैध खनन पर रोक नहीं लग पा रही है। शुक्रवार को रोक के आदेश के 8 ही दिन परेड़ा क्षेत्र के कचोरा घाट में नदी से अवैध खनन की तस्वीरें सामने आई हैं। इसके अलावा कई और इलाकों में गुजरी नदियों के किनारे पनडुब्बी मशीनें डालकर माफिया रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। कोई ठोस कार्रवाई न होने से माफिया सरकारी आदेशों की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।